नमस्कार दोस्तों, आज हम डेटा कलेक्शन बोर्ड का उपयोग समझेंगे जो हमें आंकड़ों को एकत्र, व्यवस्थित और प्रदर्शित करके शिक्षार्थियों की पसंद जानने में मदद करता है और उन्हें वास्तविक जीवन का अनुभव देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित, आयोजित और उनका प्रतिनिधित्व करना है। इस किट में एक ग्राफ बोर्ड है जो 10 खंडों में बटा हुआ है, साथ ही 5 अलग अलग रंग के कुल 50 लिंकिंग क्यूब्स दिए गए हैं जो इस तरह से आप बोर्ड पर लगा सकते हैं। ये एक क्यूब एक यूनिट को दर्शाता है। इस बोर्ड पर हम मार्कर की मदद से लिख और मिटा भी सकते हैं। गतिविधि की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। रोहन की परीक्षा में प्रथम आने पर उसने कक्षा में सभी को अलग अलग फलों के जूस पिलाने का फैसला किया। उसने सभी से एक एक करके उनका पसंदीदा फल पूछा, पर उसके द्वारा लिखे गए आंकड़ों को व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन था। उसके साथियों ने सोचा, क्यों ना हम ऐसी तालिका बनाएं जिससे हमें पहले से पता लग जाए कि एक फल कितने बच्चों को पसंद है। आइए, मेरे पास मौजूद इस टूल की सहायता से हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित और प्रदर्शित करें। सबसे पहले हमें आंकड़ों को एकत्र करना होगा जिसकी हम बाद में व्याख्या कर पाए। हम उन फलों के नाम लिखेंगे जो बच्चों के द्वारा चुने गए हैं। यहां हमने पहले से ही उनको लिख दिया है, जैसे सेब, केला, आम, लीची और अंगूर। और बाईं तरफ हम इस तरह से संख्याएं लिखेंगे। इस गतिविधि के लिए हम एक फल को एक रंग के क्यूब से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे सेब को लाल रंग के क्यूब से इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। केले के लिए हम पीले रंग के क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से, और आम को हरे रंग के क्यूब से इस तरीके से यहां पे इसको रखेंगे। लीची को हम सफेद रंग से प्रदर्शित कर रहे हैं, और अंगूर के लिए हम नीले रंग का उपयोग कर रहे हैं इस तरीके से। और यहां एक क्यूब एक बच्चे को दर्शाएगा। अब हम बच्चों को एक एक करके बुलाएंगे और उनसे उनका पसंदीदा फल पूछेंगे। सबसे पहले रवि की बारी है। उसको सेब खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसने एक लाल रंग का क्यूब लिया इस तरह से और उसे सेब वाले खंड में इस तरह से रख दिया। अब रीना की बारी है, लेकिन उसको सेब नहीं आम बहुत पसंद है, तो उसने एक हरे रंग का क्यूब लिया और आम वाले खंड में इस तरह से ऐसे रख दिया। इसी तरह एक एक करके विद्यार्थी आएंगे और अपना पसंदीदा फल वाले खंड में एक क्यूब को रखेंगे। अब सभी बच्चों ने अपना पसंदीदा फल इन क्यूब्स के जरिए ग्राफ बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि सेब 7 बच्चों को इस तरीके से पसंद है, केले 5 बच्चों को पसंद है, आम 8 बच्चों को पसंद है, पर 4 बच्चों को लीची पसंद है और अंगूर 6 बच्चों को पसंद है इस तरीके से। इस प्रकार रोहन ने डेटा बोर्ड के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित और आयोजित करना समझा है। अब उसने सोचा, क्यों ना इससे संबंधित और भी तथ्य ज्ञात करें, जैसे आम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है और लीची सबसे कम बच्चों को पसंद है। आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लीची पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से 4 ज्यादा है। केले और आम पसंद करने वाले कुल 13 बच्चे हैं। कक्षा में कुल मिला के 30 बच्चे हैं। इसी तरह से कक्षा में बच्चों की रोजाना की गतिविधि से उदाहरण लेते हुए हम कई और आंकड़ों को इस डेटा कलेक्शन बोर्ड के जरिए प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे उनके जन्म दिवस का महीना, उनका मनपसंद खेल, उनका मनपसंद विषय, उनकी आयु, विद्यालय से आने के लिए यातायात साधन आदि। इस तरह आप भी कक्षा में डेटा कलेक्शन बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन का अनुभव देकर आंकड़ों की व्याख्या करना बहुत ही सरलता से और संवादात्मक तरीके से सिखा सकते हैं। धन्यवाद।